व्हाट इज अप गाइस, स्वागत है आपका आर्क सर्वाइवल के एक और नए एपिसोड में। आई नो आई नो आई नो, आर्क सर्वाइवल के एपिसोड आने में काफी टाइम लगा, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है। और आज हम लाइव आए थे तो मैं कुछ फ्लेक्सिंग कर दूं अपने आर्टिफैक्ट्स की। हाँ, ये कर लो पहले। तो ये तो आर्टिफैक्ट हमने सबसे पहले हम लेके आ चुके थे। ये दूसरा आर्टिफैक्ट था हमारा, इसका नाम क्या था, आर्टिफैक्ट ऑफ द मैसिव। और ये हमारा था तीसरा आर्टिफैक्ट जिसका नाम था आर्टिफैक्ट ऑफ द हंटर। तो ये तीनों आर्टिफैक्ट हम लेके आ चुके हैं और हम बॉस फाइट के लिए एकदम रेडी हैं। बट एकदम तो नहीं, मतलब 80% रेडी है। बस मुझे थैरी की आर्मी को एकदम परफेक्ट बना देना है और फिर उसके बाद हम बिल्कुल रेडी हैं। और काफी टाइम से एक डिमांड चल रही थी कि मैं सेबर टूथ को पकड़ूं, तो उसको आज हम टीम करने जा रहे हैं। करो फिर। एक हाई लेवल का सेबर टूथ मिल जाए तो मालिक मजा आ जाए। बाकी हमने लाइव में ये वाली जो थाइला है इसको पकड़ा था, हेलो फ्रेंड। इसे हम लेके आए थे। और बाकी ये जो एक एपिसोड था जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि डिसोर्टेड, जिसमें मेरी आवाज़ डिसोर्टेड हो चुकी थी बिल्कुल, उसमें हम ये स्पाइनो पकड़ के लेके आए थे जिसको मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया था, थोड़ी सी मेरी डाइनोज की लड़ाई हो गई थी, तो उसकी वजह से ये यहाँ आ चुका है, यहाँ आके ये खड़ गया है। उसको भी मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरी रेक्सिस कहाँ गए, तो मैं उन्हें छोड़ आया हूँ कार्नो आइलैंड पे। मगर क्यों? उन्हें मैंने बेघर कर दिया, लात मार के मैंने उन्हें निकाल दिया है, अपनी जायदाद से बिल्कुल ही दफा कर दिया। उन्हें मैंने वॉन्डरिंग ऑन करके उन्हें सिर्फ मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि वो वहाँ पे अपनी आराम से जिंदगी जी सके। और ये ट्रूडन का बच्चा, जैसे ही मैं गेम के अंदर आता हूँ ना, ट्रूडन के बच्चे ने मेरी आना ही हो जाता है, इसने हमेशा। वो मैं पंगा तो लूंगा मैं इससे, इससे पंगा लिए बगैर तो मेरा दिन जाता ही नहीं अच्छा जब तक मैं इससे पंगा ना लूं। ए आयो, वो मैं तो भग लेता हूँ इससे दूर। ए 360 शॉट। अरे ओ साले, ये कहाँ से आ गए? अबे अबे मारो इसको, ए मारो 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 इसको। भाई ट्रूडन से जब तक मैं पंगा ना लूँ ना, मेरी क्या हो गया, क्या हो गया, ये कौन कौन पंगे लेने से लग जाते हैं मेरे डायनोस से। भाई ट्रूडन से जब तक मैं पंगा ना लूँ ना, तब तक तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा ही नहीं होता। पता नहीं क्यों ट्रूडन के साथ ऐसा अलग से ही मेरा प्यार है, एक अलग से ही प्यार हो गया ट्रूडन से तो मेरे को। बट यहाँ पे और कोई ट्रूडन तो नहीं है ना? बस ठीक है, यहाँ पे और कोई ट्रूडन नहीं है। और कुछ नए डायनोज भी हैं इस गेम में, उन्हें भी मेरे को टेम करना है। और उनको टेम करना ना काफी सिरदर्दी वाला काम है, तो सिरदर्दी भी हम अपनी कर लेंगे पूरी अच्छे तरह एक बढ़िया तरीके से। पहले मैं इनको यहाँ से हटा दूँ। बेटा तुम ना सारे इधर ली साइड को आ जाओ, दीवार से थोड़ा सा दूर हो जाओ। दीवार पे चिपके पड़े हो, कसम से कतई दीवार पे चिपके पड़े हैं। तू भी हिल ले, तेरे को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? ओके, तो हम ये बैरियोनिक्स को पकड़ के लेके आए थे। ये 443 लेवल का है, का मैं डैमेज बढ़ा देता हूँ। ये ओशन में काफी काम आएगा हमारे, बट इससे मेरे को लगता नहीं हमारा काम हो पाएगा, और भी हाई लेवल वाले मेरे को चाहिए होंगे। तो ये वाली जो आरजे है इसका भी मैंने लेवल अप कर दिया था, और क्लासिक फ्लायर वाला मोड मैंने डाल दिया था इसमें ताकि इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी खासी हो सके। अब तुम देख ही सकते हो इसकी स्पीड कितनी बढ़िया हो चुकी है, तो स्पीड मैंने इसकी ऑलरेडी बढ़िया कर दी है, और देखो कितना सही चल रहा है यार ये पे। इन डाइनोस को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये कोने में ना चिपक जाते हैं पता नहीं क्यों। इधर आ जाओगे सारे के सारे, चलो यहाँ पे खड़ जाओ तुम भी। और ये सारे के सारे ना पता नहीं क्या कोने में लग जाते हैं, एकदम से चिपक ही जाते हैं कोने में हमेशा हमेशा। ये तो मेरे वाला रैप्टर, ओ इसका भी लेवल बढ़ा है, चलो इसका भी मैं लेवल अप कर देता हूँ। ये रो बेटा इसका भी, मेरे को ना हजार हजार लेवल के कुछ रैप्टर चाहिए, मजा ही आ जाएगा कसम से। और यहाँ तक तो मैं चलो पैदल आया था, बट यहाँ से उड़ के चलता हूँ। और जो जो लाइव में आए थे उनको पता होगा कि मैंने एक असोल्ट राइफल, एक सेकेंड, ये वही है ना 480 लेवल वाला, इसको भी हम टेम कर लेंगे क्योंकि ये है मेल और हमारे पास एक हाई लेवल वाली फीमेल डाइनो है, मगर मेगाथीरियम है। तो
तो हमारा काम ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये मैंने जाना था अभी लड़ने लड़ने सॉरी सेबरटूथ को पकड़ने, बट ये एकदम से चालू हो चुकी है बारिश। और यहाँ पे फाइट किसकी हो रही थी, मेगाथीरियम की हो रही थी। और मेगाथीरियम की बोल रहा हूँ, ट्राइक की हो रही थी रैप्टर के साथ। मुझे लगा रैप्टर अगर ज्यादा लेवल का होगा तो मैं उठा के इसको ले आऊंगा और इसको टेम कर लूंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये यहाँ पे कैसे आ गई? हेलो कछुए, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? तो उठा सकता हूँ मैं? नहीं उठा सकता। यहाँ कैसे पहुंच गया यार? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे ये पहुंच गया है। अंडे के पास है ना ये, ले तेरा अंडा उठाया मैंने। ये ले, क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? आजा पीछे आजा मेरे। अगर मैं इसका अंडा वापस दे दूंगा तो ये अग्रो नहीं होएगा क्या? चल ऐसा करके देखता हूँ एक बारी कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। देखो अभी भी अग्रो हो रहा है मेरे पास। देखूं अभी भी एग्रो हो रहा है ये। देखूं तो हाँ अभी भी एग्रो हो रहा है। साला अगर मैं इसका अंडा यहाँ पे गिरा दूं तो एग्रो होना बंद कर देगा ये? अभी एग्रो होना बंद कर देगा? नहीं अभी भी देखो एग्रो ही हो रखा है। अरे भाई क्या कर रहा है तू? बस कर, अब कितना पीछा आएगा मेरे। अब तो तेरा अंडा भी छोड़ दिया मैंने, तू अपने अंडे के साथ यहाँ पे खुश रहे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ओके। तो मेरे को एक काम करना है कि मेरे को उस कार्नो आइलैंड पे जाके एक सेबर टूथ देखना है बढ़िया लेवल वाला। और उससे पहले मैं अपनी असोल्ट राइफल तो चेक कर लूं। असोल्ट राइफल चेक करने से पहले मैं इसकी इन्वेंटरी देख लूं, कुछ है नहीं। थोड़ा सा मेरे को पॉलीमर की जरूरत थी तो फिर मैं अपने मेंढक पे जाके ये सीमेंटिंग पेस्ट लेके आया था, और सीमेंटिंग पेस्ट मैं इसमें डाल देता हूँ। अरे सीमेंटिंग पेस्ट तो ताऊ मैं ले आया, बट मेरे पास तो यही नहीं है। अब मेरे को इसको भी लेके आना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाली साइड को जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, इस साइड तो नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी सारा जो भी मतलब ऑब्सीडियन है वो सारे का सारा खत्म हो चुका है। तो मेरे को दूसरी पहाड़ी पे मैंने ऑब्सीडियन तो वैसे देख ही रखा है कहाँ पे है, तो वो वाला ऑब्सीडियन मैं हार्वेस्ट कर लूँगा अभी अपने एंकली से, क्योंकि मेरे को पॉलीमर भी चाहिए। पॉलीमर वैसे मैंने बहुत सारा बना लिया है, बट फिर भी कमी पड़ी रही है यार, कैसे ना कैसे करके कमी पड़ी रही है फिर भी। तो वो असोल्ट राइफल मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को वो ब्रांचियोसोरस करके है ना डाइनो, वो लंबी गर्दन वाला, तो उसको मेरे को टेम करके देखना है पहले। यहाँ तो देख लो क्या मामला चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। 440 का है गाइस, एक 440 का है, एक ये 60 का है, और तू कितने का? ये भी 60 का, 60 ही लेवल का है ये। और यहाँ पे भी कुछ, यार ये तो वो दूसरे वाला है। यहाँ पे रैप्टर भी घूम रहा है, कुछ रैप्टर भी देख लेता हूँ इसी बहाने। रैप्टर 320 लेवल का, और ये तू कितने लेवल का? 60 का। चलो छोड़ते हैं इन्हें और अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम जो चीज़ करने आए हैं। अगर यहाँ पे मिल जाते मेरे को रैप्टर बोल रहा हूँ सेबर टूथ तो यहीं पे कर लेता, बट मेरे को जब मैं स्ट्रीम में आया था ना तो मेरे को जो कार्नो आइलैंड पे थे ना सेबर टूथ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल के थे। वहाँ पे 550 लेवल का कुछ मैंने सेबर टूथ देखा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्यों ना टीम कर लूँ। वो मिल जाए तो भैया मज़ा ही आ जाए कसम से। अभी यहाँ पे अपना हम लेने आए हैं ऑब्सीडियन, और इस साइड तो ऑब्सीडियन काफ़ी सारा है। यहाँ से वो ना आ जाए बस, नमून के बच्चे वो बिच्छू टाइप डाइनोस। चलो अगर आ भी गए तो इतना तो क्या ही बिगाड़ लेंगे, अपना खतरनाक डाइनोज अपने पास पड़े हैं। और थोड़ा एक बारी मैं उनका हाल चाल भी पूछ के आना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको छोड़े हुए। देखना चाहता हूँ क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं, और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई वहाँ पे, कहीं पता लगे मेरा बेड़ा गर्क हो जाए मेरे डाइनोज का, तो मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। अभी इतना तो मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा सा यहाँ से और तोड़ लेता हूँ फिर अपना काम बन जाएगा। बस जी इतना बहुत है अभी के लिए, इतना काफ़ी है। ओह ये वाला डाइनो यहाँ पे भी है, इसको टेम करने का यार अलग सा ही सीन आ रहा है। 975 नार्कोटिक्स मांग रहा है मेरे को, मतलब 975 बार खिलाना पड़ेगा क्या नार्कोटिक्स इसको? ये सीन समझ आ रहा है, इसका भी अलग ही सीन है टेम करने का। बट मेरे को चाहिए तो चाहिए ये, इसको तो सिर्फ रोर कराने के लिए रखूंगा मैं अपने पास कि भाई तू चल बस मेरे को रोर करके दिखा, और कुछ नहीं चाहिए तेरे से। इसका बस यही सीन करवाया करूंगा मैं। और ये क्या है, सेबर टूथ है ये? भैया बस यहाँ से मैं चुपचाप निकल लूं अपने बेस पे। अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं पहुंच गया। ये क्या था? इसमें से मैं वो निकाल लेता हूँ, तो फटाफट से बस ऑब्सीडियन निकाल के मैं अपने लिए वो बना लूंगा जल्दी से। ये ले बेटा मेरे को एंकली ऑब्सीडियन दे दे। ऑब्सीडियन ये रहा, ऑब्सीडियन से भी वेट ज्यादा बढ़ जाता है वैसे, ऑब्सीडियन भी भारी चीज है यार। ये लो अब 100 बन रहे हैं, 136 बन जाएंगे, काफी है मेरे लिए इतना 136।
तू छाव में खड़ जा बेटा यहाँ पे, और मैं गोलियां वगैरह भी ना पहले से बना के रख लेता हूँ। अरे साइड दे देता हूँ, गोलियां वगैरह भी ना गाइस मैं पैसे करता हूँ, पहले ही बना के रख लूँ जब तक ये पॉलीमर बन रहा है, इसका भी मैं सीन देख लूँ। और गोलियों के लिए मेरे को इसमें वैसे कौन सी गोलियां लगती है इसमें? आई थिंक सो ये राइफल है ना, असॉल्ट राइफल, तो इसमें मेरे ख्याल से ये सिंपल बुलेट्स ही लगेंगी जितना मेरे को लग रहा है। सिंपल बुलेट्स बनाने के लिए मेरे पास गन पाउडर तो कितना है, 110 है, और 9 ही बनेगी क्या ये, बस इतनी बनेगी? व्हाट, देखता हूँ, गन पाउडर शायद से कम पड़ रहा है। चलो मेरे पास कुछ तो वो पड़ा ही है, मेरे पास थोड़ा बहुत शायद से, मेरे पास कितना है देखता हूँ, चारकोल, चारकोल भी मेरे को काफी रखना पड़ेगा, 163 है चारकोल। चलो चारकोल को इसमें मैं अरे ऑन कर लूँ पहले इसको, अभी डेमोलिश कर देता गलती से इसको, इसको भी टर्न ऑन करके ये रहा अपना गन पाउडर। चलो गन पाउडर भी बना लिया हमने, इसे मैं फेंक देता हूँ यहाँ पे। ये सारी कॉस्ट्यूम मेरे पास है ऑलरेडी, और किसी चीज की कमी है क्या? ये लगा दिया यहाँ पे, मेरे पास ये ब्लू वाले मेरे पास जो डार्ट्स है ना ये नहीं है। चलो शुक्र है मैंने देख ही लिए, बाकी अभी इसको भी बना लेता हूँ मैं, ब्लू वाले डार्ट्स को ये रखे मैंने यहाँ पे, और बना लेता हूँ 20 बुलेट्स। और बुलेट्स तो काफी ज्यादा मेरे को जरूरत पड़ेगी यार बुलेट्स की, तो देखता हूँ ये काफी ज्यादा पड़ रही है, मतलब अगर 1000 इंगट्स हैं तो 1000 इंगट्स के 500 बुलेट्स बनेगी, ऐसा सीन है इसका। ये भी सीन गलत ही है यार, ब्लू वाले मेरे पास नार्कोटिक्स कितने हैं, ब्लू वाले पड़े भी नहीं मेरे पास नार्कोटिक। अभी मेरे को ये दोबारा से करने पड़ेंगे क्या, ये बार बार पता नहीं क्यों हो ही जा रहा है ऐसा सीन, ये मेरे को दोबारा से करने पड़ेंगे ये। यहाँ पे वैसे मैंने इनकी इनग्राम्स ओपन करके ही रखे हुए हैं, और ये भी मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है ये? एक सेकंड, ये सीन है क्या? ओके तो मेरे को समझ आ गया, ये यहाँ नहीं मेरी इन्वेंटरी में क्राफ्ट होंगे कसम से, मैं पता नहीं क्या ये बार बार भूल जाता हूँ ये चीजें। अभी देखते हैं मेरी ये कितनी बन चुके हैं बुलेट्स, और मेरे को ये भी क्राफ्ट करनी थी यार, ये अब तो सकेगी ना है? What? 539 पॉलीमर, पॉलीमर साहब बन के रेडी तो है, अब क्या चाहिए, जान लेगा क्या बच्चे की? और ये मैं जनरेटर हर बार ऑन कर देता हूँ, फिर बार एसी भी चल रहा है, ये क्या सीन है, बंद कर देता हूँ फटाफट से। और तू भी बेटा बंद ही रही हो बार बार, ये भी पता नहीं क्यों, ये तो ऑटोमेटिकली ऑन होता है मेरे ख्याल से, इसका भी अलग से ही सीन है। अभी मैं देखता हूँ कितना बन चुका है पॉलीमर, 670 हो गया है, बस इसको भी टर्न ऑफ कर देता हूँ मैं, और ये तो चलो है ही टर्न ऑफ, ये ले मेरे को वहाँ तक के लिफ्ट दे। अब देखता हूँ, अब तो बन ही जाएगी शायद से ये असोल्ट राइफल हमारी, अब तो बन जानी चाहिए, अब किस चीज़ की कमी रहेगी? असोल्ट राइफल एडवांस्ड, एडवांस्ड राइफल बुलेट, एडवांस राइफल बुलेट ही है ना ये, सिंपल राइफल, अब एडवांस कहाँ से लेके आऊँ मैं? हेलो, अबे एडवांस राइफल बुलेट, शिट यार मैंने क्या बना दी है, एडवांस राइफल बुलेट, एडवांस बुलेट, और ये अलग से अभी मैंने गलत बना दिया यार गाइस, ये कांड हो गया, क्या ही है यार ये, मैं क्या कर देता हूँ कसम से, चीजें ना खराब ही कर देता हूँ हर बार। और अब बन के रेडी है या नहीं ये, अब मैं इसको इक्विप कर सकता हूँ? नहीं कर पा रहा अभी भी, क्या सीन है ये इसका, बन क्यों नहीं रही है? मैंने सारा सामान तो इसका यहाँ पे निकाल चुका हूँ मैं इसको, फिर इसको क्राफ्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्या चीज है ये? ये देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसका, ऐसा कुछ मैं करूँ तो करूँ क्या इसका? एक सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इसके इनग्राम ओपन करने पड़ेंगे। अब देखता हूँ, मेरे ख्याल से यही सीन आ रहा, सोल्ट राइफल ये रही, और मैं सारी ओपन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है ये। अब देखता हूँ, बोरी है क्राफ्ट है, व्हाट अभी भी नहीं हो रही, हे भगवान कसम से, असोल्ट राइफल ये रही, नहीं हो रहा कुछ। अरे भाई अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि ये क्या सीन है, कैन बी क्राफ्टेड एट फैब्रिकेटर, सीरियसली डूड सीरियसली, इतनी बेवकूफी कर रहा था मैं, घंटे से लगा पड़ा हूँ और मैं राइफल को कहाँ क्राफ्ट कर रहा हूँ कसम से। अच्छा अब होगी ना क्राफ्ट, अबे यार ना बेवकूफी की हदें पार कर रखी है मैंने पार। चलो ये वाले एरोज लगा लेता हूँ इसमें, ये वही वाले एरोज है ना, आई थिंक सो ये वही वाले एरोज है कि नहीं, एक बारी मैं देख लेता हूँ किसी पे चला के देख लेता हूँ मैं कि ये वही वाले एरोज है या नहीं, ज्यादा पावरफुल वाले मुझे चाहिए भी नहीं। और मैं इस पे देखता हूँ,
3,500 वाला यार, ये तो मेरे को तो सस्ते वाले चाहिए थे, ये तो महंगे वाले हैं काफी। मेरे तो जल्दी नहीं पट जाएगा वो, मेरे को थोड़े सस्ते वाले चाहिए जो इतने पावरफुल ना हो, क्योंकि मेरे को इतने पावरफुल से गेम वो नहीं करनी सी। और यहाँ पे ये मेरा डायनो इसको तंग करने फिर से आ गया। और ये कहाँ भग लिया, ओ इसको मारो ए। हाँ चलो ये भी हो गया खत्म। 240 लेवल अब चलना। ऐसे ऐसे को तो मैं पूछता भी नहीं, कुछ चाहिए होते हैं कुछ हाई लेवल वाले। अब देखता हूँ मैं इसमें कौन कौन से एरोज हैं। आई थिंक सो ये वाला तो 10 टाइम्स देता है ना ट्रोपिडी, और 5 टाइम्स वाला ये है। चलो इससे बना लेता हूँ मैं, कितने बनते हैं ये, तो शायद से मेरा काम बन जाएगा। और इसको भी टेस्ट कर लूँगा फिर से मैं दोबारा, इसको मैं क्राफ्ट होने देता हूँ एक बार। ऐसे मेरे पास काफ़ी एरोज पड़े हैं बट मैं उनका यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा। ओके तो हमारे सारे एरोज बन के रेडी हैं, बट एक पंगा है बस कि असोल्ट राइफल तो चलो बन के रेडी हो चुकी है, बट असोल्ट राइफल मैं चलाऊँ किससे, मैं बुलेट्स तो और किसी गन के बना के बैठ गया यार। और मेरे पास अभी गोलियां भी नहीं है, और मेरे को इसका ना इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। हाँ देखो तो, अरे मस्त है यार असोल्ट राइफल तो, है तो मस्त चीज़ है यार, मज़ा आ गया कसम से। बट इसको चलाने के लिए मेरे को चाहिए गोलियाँ, और गोलियों के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी गन पाउडर बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये GPS वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख देता हूँ अभी के लिए फिलहाल तो, क्योंकि मेरा वेट फालतू में ज्यादा हो रहा है। और ये तो चलो मेरे पास पड़ी है, पानी पानी की कमी पड़ रही है। चलो ये ट्रैप का सामान मैं ले जाता हूँ साथ में, एंड अब चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर चला जाए और कार्नो आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। अरे कार्नो आइलैंड की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसकी ट्रोपेडी तो चेक कर लूँ कि कैसी है, सही भी है कि नहीं। ये ले बेटा स्पाई ग्लास भी ऑन कर, और अब देखता हूँ कि कितना ये करती है। हाँ 1000 के अराउंड करती है, तो मतलब यही वो सही वाले एरोज हैं जो मैंने सोचे थे, ये वही वाले एरोज हैं, तो मतलब मैं सही जा रहा हूँ। गीगा को थोड़ा इनके पास खड़ा देता हूँ। अरे गीगा मेरे बेटे इधर आ, गीगा को थोड़ा यहाँ पे पास में खड़ा देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे, क्योंकि यहाँ पे कार्नो वगैरह भी घूम रहा है। बस 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 बस, बस मेरे बाप यहीं पे खड़ा रहा है। मारियो इसको मारो, गीगत मार दे, मार देगा मेरा गीगा तो, मार देगा आराम से मार देगा। चलो अब चला जाए कार्नो आइलैंड की तरफ, और वहां पे हम ढूंढेंगे एक बढ़िया लेवल वाला से बटू। तो अभी बाकी यहाँ मिल गया तो यहाँ बेस्ट है, कार्नो आइलैंड पे तो ज्यादा मिल जाएंगे, कार्नो आइलैंड पे मेरे को ज्यादा होप है। बट अगर यहाँ भी मिल जाए तो इजी हो जाएगा मेरे लिए काम। यहाँ तो आलू चोरस वगैरह ज्यादा हैं, ये कहाँ से आ गए, पहले तो थे नहीं यहाँ पे। और ये अल्फा वाला कार्नो भी है यहाँ पे, इसकी तो गेम बजानी पड़ेगी गाइस। बट मैं इसको तो अपने किसी टीरेक्स से ही पिलवाऊंगा इसको तो, ताकि उसका लेवल अप भी हो और मुझे भी फायदा हो। और यहाँ पे लाइट का पता नहीं इस टाइम क्या इशू हो रहा है, मेरे को बार बार लाइट इस तरफ इसीलिए देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा ना ये UPS जो है बार बार टी 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 कर ही आ रहा है। लाइट तो है मतलब, बट इस टाइम काफ़ी कम लाइट आ रही है। और आलू सोरस को तो मेरे को अभी तक टेम करने का पता नहीं क्यों मूड ही नहीं बना मेरा। 160 लेवल, 40 लेवल, 400 लेवल, 500 लेवल वाला ढूंढते हैं, नहीं तो फिर 450 लेवल वाला तो हमें पहले एक दिखाई था, अगर नहीं मिला 500 लेवल वाला तो हम 450 वाले से काम चला लेंगे, इसको ही टेम कर लेंगे हम। हाइनाज वगैरह भी है यहाँ पे, बट मेरे को हाइनाज वैसे अटैक तो नहीं करती जब भी मैं जितनी बार भी गया हूँ। और ये कौन, अच्छा ये वही है ना कंगारू सा, ओ टेमेबल है ये, इसको भी टेम करेंगे यार किसी दिन कंगारू को। बट इसके लिए, ओ इसके लिए ये भाग जाता है ना, इसके लिए मेरे को एक वो ट्रैप याद आ गया मेरे को, इससे तो अपनी रायना गाथिया से करेंगे हम टेम इसको ना, एक जगह पे चिपका के ट्रैप में फंसा के फिर इसको टेम करेंगे गाइस, फिर जल्दी से टेम हो जाएगा, नहीं तो ये भाग लेता है और इसको टेम करना ना इरिटेशन सी हो जाती है मेरे को तो कसम से। यहाँ पे सेबर टूथ नीचे भी रहे, ये तो वी वाले सेबर टूथ है क्या, ये दिखा तो था एक 450 लेवल, ये रहा एक मेरे को लग रहा है ये तो जैसे एक वो प्रथा है ना कि जोन सा मेरे को डाइनो पसंद आया मतलब वो मारा गया, वही वाला सीन होने वाला है यहाँ पे भी। और इस वाले आरजे की तो तुम स्टैमिना देख रहे हो यार, 10,000 पता नहीं कहाँ से हो रखा है, मैंने तो नहीं किया वैसे, खुद से पहले से ही हो रखा था जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो आराम से उड़ता रहूँ मैं जितनी मर्जी 10 गेड़े लगा लूँ चाहे इसके, तब भी ना इसका स्टैमिना खत्म हो, तो ये ज़्यादा सही है। अभी चलते हैं कार्नो आइलैंड की तरफ फाइनली। ओ
ये देखो मेरे को यहाँ क्या मिला, ये गांटा सोहरस, वो भी फीमेल, 20 लेवल की है। बट आई डोंट केयर, चाहे वो 220 लेवल की हो चाहे ये 500 लेवल की हो, इसको टेम करने के बाद इसकी हेल्थ हो जाती है 20,000। लेवल की तरफ इसके ध्यान हमें बिल्कुल नहीं देना। चलो फाइनली गीगा हमारे यहाँ पे दोबारा से स्पॉन हो चुका है, और वो भी फीमेल, जिसकी हमें काफी ज्यादा नीड थी क्योंकि हमारे पास तो, चलो अब फटाफट से बिना किसी बकचोदी के कार्नो आइलैंड चला जाए, कि मैं आसपास ही बहुत ज्यादा देखने लग गया हूँ अब आजकल। बट अब सीधा जो डायरेक्ट हमारा काम है वो देखा जाए। ओ ये वाला वो है डाइनो ब्रांचियोसोरस, 40 लेवल का है, मेरे को हाई लेवल वाला चाहिए। और इसका अटैक जो है ना काफी तगड़ा है यार, मैंने देखा है इसका अटैक। बैठ सकता है क्या इसके ऊपर? ये नहीं बैठ सकता, पर है कमाल की चीज है। मेरे को इसको टीम करना है जैसे तैसे करके, बट सिरदर्दी वाला काम है इसको टीम करना भी। कोई नहीं, सिरदर्दी हमने इस गेम में काफी सारी सही है, तो हम इसे टेम कर लेंगे। ओके तो हुआ क्या था गाइज, कि लाइट चली गई थी एकदम से, और फिर रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हो गई। बट मैंने जैसे तैसे करके फाइल रिकवर कर ली, और ये वापस से जब मैं जा रहा था, तो जब मैं वापस से गेम ऑन की तो उतरा हुआ मिला मैं अपनी आरजे से। और ये हाई, वो कौन सी डाइनो है, वो हाइना, हाइना डोन करके ऐसे डाइनोज हैं, उन्होंने फेल दिया मुझे। और मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं बचा था गिली सूट वाला, तो फिर ये मैं ये वाला डाल के आया हूँ जिसमें मेरे ब्लैक आर्मर, जिसमें मेरे को गर्मी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड फाइनली हम अपने आइलैंड पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे कार्नोस तो काफ़ी हैं, बट मेरे वाले रैक्स नहीं दिख रहे मुझे। सेबर टूथ भी यहाँ पे काफ़ी है, मेरे को बस एक बढ़िया लेवल वाला सेबर टूथ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कौन से 360 ऐसे लेवल के, ये कौन 540 लेवल का, लेट्स गो गाइस। अभी मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको उठा के देखता हूँ क्या मैं उसे पिक कर सकता हूँ, नहीं पिक कर सकता। और ये सारे मेरे पीछे पड़ गए यहाँ पे। और ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो इनको तो यहीं पे रहने दो, क्योंकि इनका यहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तब तक ऐसा करता हूँ कि इन्हें पेल लेता हूँ, दूसरा एक ही झटके में ख़त्म। यहाँ पे सफाया करना मेरे को काफ़ी ज़रूरी है, इनका सफाया कर देता हूँ। मेरे आरजे का लेवल बढ़ाना, तो इसकी मूवमेंट स्पीड मैं 200 के राउंड कर दूंगा। और भी है यहाँ पे आरजेज वगैरह तो काफ़ी हैं, इनकी गैंग का मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनकी गैंग का मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सेबर टूथ मेरे पीछे पड़ जाएंगे नहीं तो। और मैं ऐसे नहीं चाहता कि सारे पड़े हों पीछे, मैं चाहता हूँ कि ये कितने लेवल का, ये तो 380 लेवल का है। रैप्टर तो चलो छोटा ही है ये, मैं देखता हूँ इनको, इनकी मेरे को एक गैंग पूरी तोड़नी पड़ेगी, इनका पूरा ग्रुप मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तू इधर आ जा बेटा, तू इधर आ जा, नहीं तो तू परेशान करेगी काफ़ी मुझे। इनको भी, इनका भी सफाया करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यार। और कौन सा बचा है? बस मेरे को वही वाला देखना, 540 लेवल वाला कौन सा था, बस मेरे को ध्यान रखना है कि मैं उसको ना मार दूं गलती से, वो रहा। चलो एक को पेल दिया, एक डाउन, अभी ये दूसरा, चल तू भी डाउन। और ये कार्नो आ रहे हैं ना बीच में, बस मैं गलती से उसको ना मार दूं। भाई सेबर टूथ को मैं उठा नहीं सकता क्या? मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे उठा तो सकता हूँ, लेट्स गो। फिर दिक्कत की क्या बात है? काम करता हूँ मैं अपने पहले आरजे का, मैं मिल डैमेज बढ़ा लेता हूँ पहले। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वो ट्रैप, ये रहा। और यहाँ पे ट्रैप लगा, छोटा सा ही वैसे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेबर टूथ इतना बड़ा डाइनो आई डोंट थिंक सो है वो। कहाँ से आ रहा है? आवाज़ तो आ रही है बट पता नहीं कहाँ पे है। छोड़ो उसे, इग्नोर ही करते हैं हम अभी। और ये रही दीवारें, ये वाली भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। अरे यार ये मैं हर बार ना गलत ही लगाता हूँ कसम से, हर बार का ही हो गया मेरा। ये शायद से नीचे से अग्रो हो रहे हैं ये, और मेरे को पता नहीं लग रहा कहाँ से अग्रो हो रहे हैं, अभी देखते हैं ऐसे भी। पिक अप, ये लो कर लिया पिक। अब देखता हूँ कहाँ पे आई है, कहाँ पे डांस कर रहा है। अच्छा जी यहाँ पे है ये, तो देखो मैं कौन से वाला था, ये था वो ना 540 लेवल वाला। वैसे यहाँ तक तो चढ़ नहीं सकते ये, बट कोई नहीं, मैं काम करता हूँ आरजे से अपने उठा के लेके आता हूँ इसको, उसको ना सेफली लेके आना पड़ेगा मेरे को। हाँ 540, ओह वो तो ऊपर ही आ गया था भाई साहब।
वो तो ऊपर ही आ गया था। ये रही, नहीं आया यार पकड़ में। रुक 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 रुक, पीछे मत आओ बच्चे, पीछे मत आओ। चलो आ गया आ गया आ गया अपने पकड़ में ये। और चल यहाँ पे आ। अरे नहीं आया उसके अंदर। कैसे नहीं आया ये, कैसे नहीं आया ये। चलो अब कर लेते हैं इसको अपने कब्जे में। और अब तो आएगा ना अंदर, अब आएगा। आया आया आया, चलो हो गया काम ये भी। चल 16,000 है इसका टोल स्कोर, बट इसकी हेल्थ भी काफ़ी कम है और इसकी हेल्थ काफ़ी जल्दी से नीचे जा रही है। आई होप सो ज़्यादा जल्दी से तो ना जाए। मैं इसको जल्दी से बेहोश करने की ट्राई करता हूँ। और अब इसने भागना चालू कर दिया, मतलब ये है। गिरा क्या? नहीं गिरा, मतलब इसका ये है कि ये अब वो मार नहीं रहा। देखो अब मेरे को मार नहीं रहा है, बस हो ही जाएगा टेम जल्दी से। अब हो गया। ये ले बेटा, पहले तो मेरे को मेरे तीर वापस कर दो। चलो तीर तो इसने वापस कर दिए मेरे को, एक रहता है अभी भी। अब इसको हम खिलाते हैं अपना स्टार्विंग पेस्ट, ये ले खा। और प्राइम मीट तो चलो मेरे पास पड़ा ही है, मेरे आरजे में पड़ा है सब प्राइम मीट। ये ले आरजे, थोड़ा सा इधर को ले ले। और मेरे को प्राइम मीट दे दे बेटा, प्राइम मीट। ये रहा, ये वाला मीट भी रख देता हूँ मैं इसके अंदर, तो जल्दी से हो जाएगा ये। पता नहीं प्राइम मीट कितना चाहिए इसको। ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। अब मैं देखता हूँ प्राइम मीट इसको 23 ही चाहिए, मतलब ये जल्दी हो जाएगा। चलो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये टेम होता है हम अपने रेक्सिस को देख लेते हैं। 60 लेवल वाला रेक्स यहाँ पे है। अरे हमारे रेक्स कर क्या रहे हैं, इनका भी तो हाल चाल देखा जाए। हेल्थ वगैरह देख लूँ मैं सबकी। एक ये रहा और एक वो लड़ रहा है सबके साथ। एक ये रहा, तीन है, चौथा कहाँ पे है भाई? चौथा कहाँ है? मेरे को तो अरे वो रहा चौथा, अलग ही घूम रहा कसम से वो तो। बट यहाँ पे छोड़ के मैंने सही भी, पता नहीं मैंने मेरा सही डिसीजन है नहीं यहाँ पे छोड़ना कि नहीं, पता लगे बाद में लंका ना लग जाए बस। और ये अकेले अकेले ही लड़ रहे हैं सबके साथ, पता नहीं ग्रुप में क्यों नहीं लड़ रहे। तो हेल्थ तो चलो ठीक है मेरे रेक्स की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेबर टूथ ज्यादा। भाई साहब अकेले नहीं पेल रखा हमारे वाले ने, देखा अकेला ही पेल रहा है सबको। ये देखो अकेला ही पेल रहा है सबको। सही है यार, इसकी हेल्थ भी अभी 36,000 ही है इसकी हेल्थ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाद में मेरी गलती ना हो जाए ऐसा कि मैं मतलब पछताऊं बाद में कि ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, गलती ना कर दियो छोड़ के रेक्सिस को। बट एनीवेज छोड़ो, देखी जाएगी जो भी होगा। पेल तो देंगे मेरे रेक्स, इतने तो पावरफुल है ही अभी। ओके ओके, हो चुका है हमारा सेबर टूथ। अभी मैं इस वाले को सबको तोड़ लेता हूँ, निकाल लेता हूँ ये सारा ट्रैप और चलते हैं अपने बेस की तरफ। इसको कलर भी करेंगे, मतलब ये सिंपल सा है तो इसको कलर बढ़िया वाला सा कर देंगे, एकदम से भड़कता चमकता सा। मतलब इतना भी भड़कता नहीं कि बेकार ही लगे। और बेटा कैसा है सेबर टूथ? सही है यार ये सेबर टूथ भी, इसका बिहेवियर एनेबल फॉलो कर नहीं रखा इसने मेरे को। चलो अब बेस पे चला जाए, यहीं से ले चलता हूँ इनको, यहाँ से बस हम बेस पे चल पड़ेंगे अब। चलो बेस पे, और इसका थोड़ा कलर वगैरह, सैडल एंड लेवल अप, ये तीनों काम अभी से कर दूंगा मैं। और यहाँ पे भी मेरे घर पे ही कितने सारे डायनोज इकट्ठे हो गए भाई साहब। चलो अब इसके सैडल का देखें कैसा है, इसका सैडल कैसे बनेगा। सेबर टूथ स्मिथी पे बनेगा। ऑल राइट स्मिथी, सेबर टूथ, ये रहा हमारा सैडल और ये बनके रेडी हो चुका है। और गलती से मैंने दूसरी ये ओ तुम्हें पता ही होगा, गलती से तो ऑलरेडी मैंने ये बना चुका हूँ, पता नहीं 58 सॉरी सिंपल राइफल एमओ, पता नहीं मैंने गलत वाले की बना दी। और मेरे को पता भी नहीं था कि फैब्रिकेटर पे बनानी है, मुझे फैब्रिकेटर पे बनानी चाहिए थी, बट मैंने बना इस पे दी कसम से, पता नहीं क्या ही काम करता रहता हूँ मैं। एंड अब इसको करेंगे हम एक बढ़िया सा कलर। स्पीड तो इसके ठीक ठाक ही है मतलब, बट हाँ इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होएगा ना, तो फिर मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ये जो भी मेरा सामान है ना भारी भारी, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड मेरा पेंट कलर ब्रश ये रहा, कलर ब्रश डाल के अब हम इसको एक कर देंगे प्यारा सा कलर। अभी देखते हैं इस पर कौन सा कलर सही लगेगा। ये तो नीचे वाला कलर है ना, ये ब्लू, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लूइश सा। बाकी और कोई कलर भी ट्राई करके देखते हैं हम। मैं एक सेकेंड इसको कलर
कलर कर लूँ बढ़िया वाला। ओके तो ये कलर मुझे ज्यादा जम गया, ये वाले कलर में तो ये कितना खतरनाक लग रहा है, देखो लुकिंग बैड एस यार। चलो अभी इसका वेट तो इतना ज़्यादा चलो नहीं हुआ, बट इसकी हेल्थ वगैरह ये सब चीज़ें मेरे को, एक सेकंड में एक काम कर लेता हूँ मैं ना, इसकी हेल्थ और ये हेल्थ वगैरह तो चलो इसकी ग्रो पेस्ट से ही अच्छी खासी हो जाएगी। पहले तो इसको मैं ग्रो पेस्ट खिलाता हूँ। ये लो अबे साली ने फहाड़ी दी थी मेरी कसम से, पैरासोर एक भाई साहब एकदम भग के आए यहाँ पे, बट चलो कुछ किया नहीं इसने। मैक्स भी पोशन भी बना लेता हूँ, फिर इसकी लगाते हैं हम लंका। अबे 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 तू कहाँ से आ गया, ये तो अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। कितने लेवल का है तू, 360 लेवल का। भाई 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 छोड़ दे मेरे बाप, छोड़ दे मेरे बाप। अरे गीगा मारियो इसको, ये वो इसके दो तार। अबे 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 ये फाइनली पेल दिया इसको तो। हाँ बे क्या बोल रहा था तू, हैं क्या बोल रहा था तू, आइयो इधर आइयो इधर। इसको उसके पीछे क्या पड़ा है तू, हैं उसके पीछे क्या पड़ा है तू। ला बेटे हम दोनों ही मिल। अबे इसने तो मार दिया उसको, बचा ले गीगा मेरे को बचा ले, मार गीगा इसके खेल दे साले को। जंप वगैरह भी करता है ये, जंप तो चलो कर रहा है बढ़िया। अभी हमारा एक्सपी पोशन रहता था, एक्सपी पोशन ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए मेरे को बड़े वाला एक्सपी पोशन। चलो ये दोनों चीजें आ गई, अभी ये भी खिला दिया इसको और ये भी खिला दिया इसको, मैंने इसी को खिलाया ना, हाँ इसको ही खिलाया है। ठीक है चलो अब पेलते हैं थोड़े छोटे मोटे डायनोज को, क्योंकि बड़े डायनोज को तो मेरे को नहीं लगता ये पेल पाएगा, बट ट्राई करेंगे हम। इसका वैसे अटैक है क्या, ये सी से क्या करता है, सी से तो कुछ नहीं कर रहा है ये, सिर्फ एक ही अटैक है इसका। नो वे बस एक ही अटैक है इसका, मुझे तो लगा था काफी अटैक होंगे इसके। ये क्या था भाई, मतलब है किस काम का ये, फिर किसी काम का भी है नल्ला ये। अब इसको पेलना चाहिए मुझे कि नहीं, इसको पेलते हैं। कितने आ गए ये, कितने आ गए ये। अबे वो रुक जा ताऊ, मेरे को अपनी ना वो पुल कर लेने दे। रुक 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 मैं ना अपनी मिल डैमेज अच्छा खासा बढ़ा लेता हूँ, 2000 समथिंग कर देता हूँ मैं मिल डैमेज, देखता हूँ क्या इसका फर्क भी पड़ेगा। मिल ओए पार्टी डोडो नॉट टेमेबल आ रहा है, बट ये इसको मारने पे कुछ मिलेगा क्या इस पे। वो केक मिला मेरे को, केक स्लाइस मिले, अरे वाह। पार्टी डोडो किस चीज़ का है ये, अब 696 का दे रहा है डैमेज ये, अब सही अच्छा खासा डैमेज दे रहा है वो। मैं कहाँ चला गया, वो एक केक मिला मेरे को, चलो देखते हैं इस केक से क्या होगा। अबे तू इधर आना, केक से देखेंगे अभी क्या होगा। और भी हैं यहाँ पे पार्टी वाले डोडो, और हैं नहीं है, दो ही थे बस वो टोपी वाले डोडोस। देखते हैं इस केक स्लाइस का क्या मिलेगा हमें, क्या फ़ायदा होगा मेरा इससे। पहले मैं इनको ठोक दूँ थोड़े बहुत जो डाइनोज है यहाँ पे। बस भाई बेटा बाद में चिल्लाइयो, और कोई है यहाँ पे बाप डाइनो, कोई रैप्टर है वहाँ पे एक। पहले तो इसकी हेल्थ मैं अच्छी खासी कर दूँ, 15000 मैं इसकी हेल्थ कर देता हूँ, बाकी मैं इसकी ये कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये रखूँ मैं यहाँ पे, क्या होता है इससे, अ डिलीशियस पीस ऑफ केक रिकवर्ड फ्रॉम अ थीविंग डोडो स्वीट रिवेंज। अरे बट मालिक इसे होगा क्या, ये भी तो पता लगे ना, खा सकते हैं क्या इसको, नहीं खा सकते फिर करना क्या है इसका। अरे यार गाइज अगर तुम्हें पता हो ना इस ये इस केक का क्या कर सकते हैं तो बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि काम आते हैं ये क्या आते हैं, बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। तू बेटा इधर आ जा, चल गिर जा। इसको डिल्फोसोर को मारता हूँ मैं, ट्रूडन की तो पूरी गैंग पेल दी मैंने, ट्रूडन की तो पूरी गैंग पेल ली मैंने, प्रूडन को तो पेल के कसम से मज़ा आ जाए जिंदगी के, मज़े ही आ जाए पूरे ज़िंदगी के। ओ यहाँ पे भी है ये एगुआना डोन, लेगुआना डोन को तो मैं मरवा देता हूँ इससे। अभी और कोई रहता है यहाँ पे, नहीं और कोई तो नहीं रहता, बस अपना आज का ये कोटा हो चुका है पूरा। एंड एक रैप्टर ये भी पेलता पेलता चलता हूँ मैं, तो आइए इधर बेटा। अब अच्छी खासी होगी इसकी, अब देखो एक पटके में दे रहा है ये कि 6 पॉइंट और बढ़े ना। ये ले मिल रहा है मुझे, बढ़ा तू
ये ले हेल्थ भी बढ़ा दी तेरी मैंने। और अब देखते हैं और डाइनोस को पेलते हैं इसकी। वैसे स्पीड पे भी लगाने चाहिए मेरे को पॉइंट्स, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी खास तो है नहीं। 340 का थैरी मेरे किसी काम का है? 400 लेवल का रैप्टर। आजा आजा आजा, पापा से पंगा लेगा है। अब देखूँ तो अभी भी इतनी बढ़िया है वैसे हेल्थ तो। चलो इसकी हेल्थ पे तो मैं इतनी पॉइंट लगा नहीं रहा, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा मेरा हेल्थ पे पॉइंट लगाने का। इसके इसको पेल के देखते हैं थैरी को, इसको कैसे डैमेज। तो थैरी भी वैसे 120 कुछ का दे रहा है, बट हाँ पेल गया वैसे तो। हो गया ख़त्म, हो जा बस, इतनी थी तेरे बस की। ओह 10 पॉइंट बढ़े हैं इसके, 20,000 कर दूंगा इसकी हेल्थ। चलो 20,000 कर दी, एक पॉइंट इस पे लगा दिया और चलो अपना हो गया काम ये। एंड और कोई डाइनो है यहाँ पे? टैपे जा रहा घूम रहा है 100 लेवल वाला, इसको पेल ले। ओ ओ ओ रुक, रुका ही नहीं यार। चलो इसका भी कर दिया काम 25। एंड अब चलते अपने बेस पे। और ये मेरे को ये मेरे को आर्मर इसीलिए डालना पसंद नहीं, क्योंकि इसको गर्मी लगनी ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसका। मैं तो कोई और आर्मर डाल ही नहीं सकता, हे भगवान, मेरे को तो यही डालना पड़ेगा फिर, एक गेमी सूट वगैरह। दूसरे आर्मर तो डालने की औकात ही ना हो रही मेरी। चलो फिर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक का एम रखते हैं 250, वो तो तुम कर ही देते हो हर बार, हर बार तो नहीं वैसे कई बार कर देते हो, बट हाँ कर देना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो, एंजॉय किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर।